बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी नई एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज 2.5 से पहले हम ये थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अब हम रिलेशन कायम करेंगे बिटवीन लॉजिकल इवेंट्स और सेट्स के दरमियान। यानी एक लॉजिकल वो है, जिस तरह P हमने कहा था, Q कहा था, यहाँ पे है सेट्स के लिए A, B, C, तो उसके कुछ थ्योरम्स है। हम अभी लॉजिकली उन थ्योरम्स को कैसे प्रूव करेंगे ये अभी बताना है। तो सेट A जिस तरह है तो उसका हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो A कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। लेकिन अगर P हो जैसा लॉजिक में है तो उसको नॉट पी लिखते हैं, तो ये नॉट पी और कॉम्प्लीमेंट सेट्स में जो कॉम्प्लीमेंट है तो इसमें नॉट पी है। इसी तरह क्यू के लिए नॉट क्यू, इंटरसेक्शन के लिए हम लेते हैं जैसा ए इंटरसेक्शन बी है, तो हम यहाँ पे लॉजिकली लिखते हैं पी एंड क्यू। इंटरसेक्शन के लिए एंड इस्तेमाल होता है। अब जिस तरह पी इम्प्लाइज क्यू है, तो इम्प्लाइज़ को ये हमने, इसका अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो टेबल बना दे। पी इम्प्लाइज़ क्यू बेसिकली इक्विवेलेंट है किसके, नॉट पी आर क्यू, इसके बराबर है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर ए इज इक्वल टू बी हम जिस तरह लिखते हैं, तो लॉजिक में हम पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, इसको इक्विवेलेंट कहते हैं या इक्वल। जिस तरह सेटों में इक्वल होता है, तो यहाँ पे है पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। अभी हम एक एग्जांपल, और इसी तरह इंटरसेक्शन के लिए तो एंड हो गया, तो यूनियन के लिए क्या होगा, ए यूनियन बी, तो लॉजिक में क्या कहेंगे पी, और जिस तरह इंटरसेक्शन के लिए एंड है तो यूनियन के लिए क्या है और क्यू। यानी ए की जगह पी और बी की जगह क्यू और यूनियन की जगह पे और। अब हम प्रूफ करेंगे एग्जांपल नंबर वन। एग्जांपल वन में दो थ्योरम सेट के प्रूफ करने हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि डी मॉर्गन लॉ हमने वहाँ पे दो पढ़े थे और प्रूफ भी किए हैं, बाय डिफिनीशन भी प्रूफ किए थे और वेरीफाई भी किए थे सेट्स के ज़रिए। और फिर दूसरा तरीका हमने क्या किया था, बाय वेन डायग्राम भी हमने प्रूफ किए थे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए के लिए पी ले लेते हैं, बी के लिए क्यू, और जो यूनियन है उसके लिए आर, और जो इंटरसेक्शन है उसके लिए एंड, कॉम्प्लीमेंट के लिए हम नॉट लेते हैं। तो फिर ये शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये जो राइट साइड है ये किस तरह, सबसे पहले तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के लिए हम लिख लेंगे पी आर क्यू, फिर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, उसके लिए ए यूनियन बी के लिए तो ये है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए इसके साथ नॉट लगाया जाता है पी आर क्यू ए यूनियन बी के लिए, तो उसके साथ नॉट लगा के तो ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए। इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हम नॉट पी, ए के लिए पी है तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए नॉट पी, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए नॉट क्यू। तो इसी तरह ये चेंज हो जाएगा जो राइट हैंड साइड है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो नॉट पी ए कॉम्प्लीमेंट के लिए, इंटरसेक्शन के लिए एंड, और बी कॉम्प्लीमेंट के लिए नॉट क्यू। तो ये राइट साइड इसमें चेंज हो जाएगा, और दूसरा जो लेफ्ट साइड है वो इसमें चेंज हो जाएगा। अब हमने लॉजिकल टेबल से हमने प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है, तो अगर ये हमने प्रूफ कर लिए तो इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट
बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। अभी टेबल बनाते हैं। तो लॉजिक के ज़रिए बड़े आसानी से ये प्रूव हो जाता है। पहले खाने में आप पी लिख दें और टी के लिए टी और टी के लिए एफ, फिर एफ के लिए टी और एफ के लिए एफ, इस तरतीब से ये पी टी टी एफ एफ और क्यू के लिए टी एफ ये लिखना है। जब दो होते हैं यानी पी और क्यू, जब आर है तो फिर उसके लिए भी आपको तरीका बताऊंगा इसका सेकंड पार्ट जो है। फिर पी है तो आगे नॉट पी मालूम कर लें, ये हो जाएगा पी, ये है टी टी एफ एफ, तो ये टी के लिए एफ, टी के लिए एफ, एफ के लिए टी और एफ के लिए टी। इसी तरह नेक्स्ट मालूम करना है नॉट क्यू। नॉट क्यू किस तरह मालूम करेंगे, क्यू जो है ना हमारे पास यहाँ पे टी एफ है, तो टी के लिए हम मालूम करें कर लेंगे, इसके लिए कर लेंगे चेंज एफ, फिर एफ के लिए टी, टी के लिए एफ और एफ के लिए टी, उलट लिखने हैं। अब आगे हमने करना है पी आर क्यू, पी आर क्यू, तो पी और क्यू ये दोनों, ये पी है और ये क्यू है, इन दोनों के दरमियान आर। आर में क्या होता है कि अगर दोनों तरफ ट्रू है फिर भी ट्रू, अगर एक तरफ ट्रू है एक तरफ फाल्स है तो फिर भी हमने टी ही लिखना है, लेकिन अगर दोनों तरफ फाल्स है तो फिर फाल्स लिखना है। तो ये देखिए टी टी यहाँ पे टी, फिर टी एफ एक तरफ टी है तो टी, एफ टी तो फिर भी टी, और ये एफ एफ तो एफ, ठीक हो गया जी। अब हमने नॉट पी आर क्यू, तो पी आर क्यू ये है तो नॉट पी आर क्यू वो इसके अपोजिट हो जाएगा, तो टी के लिए एफ, टी के लिए एफ, टी के लिए एफ, एफ के लिए टी, ये हमारे पास एक बन गया लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड में नॉट पी एंड नॉट क्यू, यानी दोनों के दरमियान एंड है, एंड के लिए दोनों तरफ जब टी होगा तब ही टी होगा, वरना अगर एक तरफ टी है एक तरफ एफ है तो हमने फिर एफ ही लिखना है, दोनों तरफ टी हो तो तब टी लिखना है, तो अभी नॉट पी और नॉट क्यू के दरमियान एंड है। अभी एफ एफ है तो एफ आ गया, यहाँ पे एफ टी है एक तरफ एफ आ गया तो एफ, टी एफ तो एफ है तो एफ, टी टी तो टी, देखिए दोनों टी हुए तो तब टी आया, वरना दोनों एफ या एक तरफ एफ तो फिर भी एफ ही आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। अभी अगर आप दो कॉलम्स को देख लें तो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम है, तो हम लिखते हैं कि फ्रॉम द लास्ट टू कॉलम्स इक्वलिटी एंड सिमिलरिटी विद वन अनदर, इट इज़ एविडेंट दैट नॉट पी नॉट ऑफ पी आर क्यू इज इक्वल टू नॉट पी एंड नॉट क्यू, बराबर हो गए। अब इसको वापस सेट्स में तब्दील कर दें, तो नॉट के लिए कॉम्प्लीमेंट, पी आर क्यू के लिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो गया, फिर नॉट पी के लिए क्या लिख दिया ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि पी के लिए ए है ना, तो नॉट के लिए कॉम्प्लीमेंट, एंड के लिए इंटरसेक्शन और क्यू के लिए बी और नॉट के लिए कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह ये डी मॉर्गन ला हमने लॉजिकली प्रूफ कर लिया। अब हम पार्ट नंबर टू इसी एग्जांपल नंबर वन के जाते हैं, और वहाँ पे तीन सेट्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव ला प्रूफ करते हैं। अगर ये देखें तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में इज इक्वल टू
ए यूनियन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन ए यूनियन सी ब्रैकेट में। अब ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, इसको लॉजिकली किस तरह लिखेंगे। ए बी और सी सेट के लिए हम पी क्यू और आर ये लिख लेते हैं, यूनियन के लिए आर और इंटरसेक्शन के लिए एंड लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ए के लिए पी पी आर क्यू एंड इंटरसेक्शन के लिए एंड, सी के लिए एक आर। तो यहाँ पे हम जो है ना ए के लिए पी, यूनियन के लिए आर, बी के लिए क्यू ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन के लिए एंड और ए के लिए पी, यूनियन के लिए आर ओ आर आर और सी के लिए आर ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं प्रूफ। हाँ जी, तो यहाँ पे हम जो है ना इसको एक टेबल बना लेते हैं, उसमें पी क्यू और आर अभी तीन है वो लिख लिए। तो आगे हमने यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्रैकेट में क्यू आर आर है, यानी क्यू और आर के दरमियान आर है। तो क्यू और आर के दरमियान आर, क्यू आर आर। तो यहाँ पे आर का मतलब ये है कि अगर एक तरफ ट्रू है तो फिर ट्रू तसव्वुर होता है, टी टी तो टी हो गया, टी और एफ तो एक तरफ टी है तो टी, एफ टी तो टी, एफ एफ तो एफ, टी टी तो टी हो गया और टी एफ तो टी हो गया, एफ टी तो टी हो गया और एफ एफ तो एफ हो गया। सबसे पहले ये भी ज़हन में रखें कि अगर तीन हो तो उसको हम लिखते किस तरह हैं। चार मरतबा पी को टी लिख लेते हैं, उसके बाद एफ, क्यों में दो टी फिर दो एफ फिर दो टी फिर दो एफ, आर में किस तरह लिखते हैं टी एफ टी एफ टी एफ और टी एफ। इस तरह ये हमारे पास तमाम पॉसिबिलिटीज़ मुकम्मल हो जाते हैं, क्योंकि तीन हैं तो तीन के लिए ये तरतीब होगी। ठीक हो गया। अब हमने करना है क्यू आर आर, हमने मालूम किया क्यू और आर के दरमियान आर। अब हमने मालूम करना है पी एंड क्यू आर आर, तो पी और क्यू आर आर, ये पी है और ये क्यू आर आर है, इन दोनों के दरमियान एंड। एंड का मतलब है कि अगर दोनों तरफ टी हो तो फिर टी होता है, वरना एफ। तो ये टी और टी, तो ये टी हो गया, फिर आ जाए टी और टी, तो ये टी हो गया, फिर टी और टी, तो ये टी हो गया, अब टी और एफ तो एफ हो गया, फिर एफ और टी तो ये F हो गया, F और T तो ये F हो गया, F और T तो ये F हो गया, फिर F और F तो F हो गया। ठीक हो गया जनाब। अब आगे आ जाएं P एंड Q, तो ये है P और ये है Q, इन दोनों के दरमियान और मालूम क्या करना है एंड। एंड का मतलब है कि दोनों तरफ टी हो तो टी, तो ये टी और टी, तो ये टी 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 तो टी, टी एफ तो एफ, टी एफ तो एफ, एफ टी तो एफ, एफ टी तो F, F F तो F और F F तो F।
ये हमारा हो गया पी एंड क्यू। अभी पी एंड आर ये मालूम करना है, तो ये है पी और ये है आर। तो पी को पकड़ना है और आर को, ठीक हो गया। और दरमियान में एंड है, एंड का मतलब है कि दोनों तरफ टी हो तो फिर टी होगा, वरना एफ। टी और टी तो ये टी, टी एफ तो एफ, टी टी तो टी, टी एफ तो एफ, एफ टी तो एफ, एफ एफ तो एफ, एफ टी तो एफ, ठीक हो गया। और एफ एफ तो एफ। अब जनाब आ जाएं, अब ये कॉलम है और ये है, और इन दोनों के दरमियान है आर, ठीक हो गया। यानी पी एंड क्यू, और दूसरा है पी एंड आर, और दोनों के दरमियान है एंड, एंड की सॉरी दोनों के दरमियान है आर। आर का मतलब ये है कि एक तरफ भी टी हो तो उसको टी कंसिडर किया जाता है, टी लिखते हैं उसको, तो टी टी तो ये टी हो गया। अब टी एफ है तो एक तरफ टी है तो टी, एफ टी तो फिर टी, क्योंकि एक तरफ टी हो गया, एफ एफ तो एफ, ठीक हो गया। फिर आगे एफ एफ तो एफ, एफ एफ एफ, एफ एफ एफ, और एफ एफ तो एफ, ठीक हो गया ना। अब इस कॉलम को ज़रा गौर करो और इस कॉलम को, दोनों कॉलम चेक कर लो, दोनों कॉलम जो है ना आपके सिमिलर है। टी तीन मरतबा, यहाँ पे टी तीन मरतबा, फिर एफ की बाकी सारे एफ हैं, यहाँ पे भी बाकी सारे एफ हैं, तो दोनों कॉलम सिमिलर हैं। सो पी एंड क्यू आर आर इज इक्वल टू पी एंड क्यू आर पी एंड आर। अब इसको वापस कन्वर्ट कर ले सेटों में, तो पी के लिए हम ए लिख लेते हैं, एंड के लिए इंटरसेक्शन, क्यू के लिए बी, आर के लिए यूनियन, और इस आर के लिए सी, इज इक्वल टू ब्रैकेट पी के लिए ए, एंड के लिए इंटरसेक्शन, क्यू के लिए बी, ए और आर के लिए यूनियन, पी के लिए फिर ए, एंड के लिए इंटरसेक्शन, और आर के लिए सी। तो ये बेसिकली वापस जब कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास वही थ्योरम बनता है, तो इसलिए ये हमने लॉजिकली प्रूफ कर लिया। थैंक यू।